तो चलिए आज हम बनाते हैं शाम की चाय को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए आलू के पकोड़े। आलू के ऐसे पकोड़े की रेसिपी लाई हूँ मैं, जिससे आपके पकोड़े बिल्कुल ही फुले फुले और फ्लफी बनेंगे। बहुत ही यूनिक और फ्लेवरफुल रेसिपी के साथ हम इसे बनाएंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर वो ट्रिक जिससे आपके आलू के पकौड़े पूरी की तरह फुले फुले बट बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेंगे। बेसन का ऐसा फ्लेवरफुल मसाला का बैटर हम तैयार करेंगे जिससे आप कचौड़ी समोसे तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फ्लफी आलू के पकौड़े को बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कप बेसन। 1.5 कप बेसन के अंदर मैं 1/4 कप इसमें राइस फ्लोर डाल रही हूँ। चावल के आटे से क्या होगा ना कि हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो स्वाद के अनुसार 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच में इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और पकोड़े देखने में भी अच्छे लगेंगे। 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। तो इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। चॉप धनिया डाल देंगे। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अभी इस स्टेज पे हम किसी भी और मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ क्या है ना कि बैटर हमारा काला पड़ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं इसे मिक्स करूँगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे बैटर में बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। 2 से 3 मिनट तक मैं इसे अच्छे से फेंटूंगी और पानी की मात्रा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें बहुत ज़्यादा थिक बैटर भी नहीं चाहिए बट बहुत ज़्यादा पतला बैटर भी हमें नहीं चाहिए। अगर हमारा बैटर थिक होगा तो हमारे पकोड़े में सिर्फ बेसन बेसन का टेस्ट आएगा। अगर बैटर पतला हो जाएगा तो सिर्फ आलू का टेस्ट आएगा। तो हमें ऐसा बैटर तैयार करना है कि हमें आलू बेसन दोनों का ही अच्छा टेस्ट आए। तो बहुत ही मीडियम साइज़ का बैटर हमें तैयार करना है। थिकनेस का बहुत ध्यान रखना है और पानी की मात्रा का बहुत ही ध्यान रखना है। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। अभी हम क्या करेंगे ना, 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पकोड़े बहुत ही फ्लफी और अच्छे बनके तैयार होंगे। हमारा बैटर अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आलू को देख लेते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो गोल गोल आकार में हम इसे काटेंगे। पहले मैं इसे बीच से काट रही हूँ और इसे हमें पतला पतला काट के तैयार करना है। देखिए, मैं इस तरह से इसे काट रही हूँ। आलू की थिकनेस का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पतले आलू भी हमें नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटे आलू भी हमें नहीं काटने हैं। देखिए, इस तरह के आलू हमें काट के तैयार करने हैं। आप चाहें तो कद्दूकस में एक पतली साइड होती है, वहाँ से भी इसे घिस के तैयार कर सकते हैं, बट मैं इसे काट के तैयार कर रही हूँ। काटने से इसकी थिकनेस बहुत अच्छी आती है। तो जितनी थिकनेस मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से इसे चाकू से ही काट रही हूँ। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं या फिर आप कद्दूकस से भी काट सकते हैं। देखिए, मैंने सारे आलूओं को काट के तैयार कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बाउल में मैंने पानी लिया है, सारे आलू को मैं इसमें डाल दूंगी और आलू को ना हम अच्छे से धोएंगे। जब तक इसका पानी अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से धोएंगे। 3 से 4 बार मैं आलूओं को अच्छे से धो लूंगी ताकि इसमें पानी बिल्कुल ही साफ दिखे। इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए हम धोएंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। देखिए, मैंने आलूओं को अच्छे से धो लिया, हमारा पानी बिल्कुल इसमें क्लीन दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, किचन टॉवल लेंगे और उसके ऊपर अपने आलूओं को फैला देंगे। इससे हमारे आलूओं में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज हो जाएगा और आलू हमारे ड्राई हो जाएंगे और पकौड़े हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर हमारा अच्छे से फूल के तैयार है। इसे मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने से बैटर बहुत ही बढ़िया फूल जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हम पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हल्दी पाउडर हमें फ्राई करने से बिल्कुल पहले ही डालना है ताकि पकौड़ों का कलर काला ना पड़े। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन दोनों को बाद में डालने से क्या होगा ना, हमारे पकौड़ों में बिल्कुल भी कालापन नहीं आएगा। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से हिला रही हूँ। 1/2 चम्मच मैंने इसमें गरम तेल का लिया है। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है, उसमें से मैंने 1 चम्मच तेल का इसमें डाल रही हूँ। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही फ्लफी और क्रिस्पी बनेंगे। इसे डालने से क्या होगा ना, हमें किसी भी तरह का सोडा डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह का फ्रूट सॉल्ट हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक करके हम आलू के पीस को लेंगे, इस तरह से उसे हम डिप करके बेसन में, और एक्स्ट्रा बेसन को हटा देंगे, देखिए इस तरह से, और इसे हम गर्म कढ़ाई में डालते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल भी बेसन हमारा टपकेगा नहीं।
ऑयल को मैंने मीडियम टू लो टेम्परेचर पे गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसे नहीं डालना है। अब एक एक करके मैं सारे आलूओं को इसमें डाल रही हूँ। देखिए कितने ही बढ़िया तरीके से हमारा बैटर तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी बेसन की बूंदी अलग से नहीं बिखर रही है। इट मीन्स कि हमारा बैटर बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। कितना ही फुले फुले हमारे पकौड़े बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल पकौड़े फुले फुले बन रहे हैं। इस तरह से बैटर बनाने से क्या होता है ना कि बैटर हमारा बिल्कुल भी बेसन हमारा वेस्ट नहीं होता है। इस तरह से देखिए कितने ही फुले फुले हमारे पकौड़े बन के तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक पकौड़ा कितना ही फूला फूला बना है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए वाओ कितने ही फूले फूले हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। कितना ही बढ़िया कलर इन पे आया है ये देखिए। तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को बना के तैयार कर लूंगी। एक एक करके मैं इसमें पकोड़े डालती जाऊंगी। जितने पकोड़े एक टाइम पे कढ़ाई में आए उतने ही डालिएगा और इसे अच्छे से हम हिलाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। देखिए अब धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे पकोड़े बिल्कुल ही फूलते जा रहे हैं। कितने ही फ्लफी हमारे आलू के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी पूड़ियां बन के तैयार हो रही हैं। देखिए कितना ही बढ़िया कलर आ रहा है इनके ऊपर। तो जैसे ही हमें लगेगा कि गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है तो हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा काले हमें नहीं करने हैं। वाओ देखिए कितना ही सुंदर कलर आया है हमारे पकौड़ों पे। कितना ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में। सारे पकौड़े एकदम से ही फूले फूले बन के तैयार हो रहे हैं आप देख सकते हैं। तो सारे पकौड़ों को मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल ही बढ़िया फूले फूले हमारे आलू के पकौड़े। हमारा शाम का नाश्ता कितना ही बढ़िया तैयार हुआ है। तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया बनते हैं गाइस। इस तरह से अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे आपके पकौड़े भी बहुत ही फ्लफी बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये खाने में और इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। देखिए कितने ही बढ़िया हमारे पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आलू के फ्लफी पकोड़े हमारे बनके तैयार हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और देखने में भी बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।